हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन कार्स वर्सेस पाकिस्तान कार्स 3 इंडिया गेट जंप चैलेंज। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो, हमने एक तरफ इंडिया की कार लगा रखी है और भाई दूसरी तरफ अपने पास है पाकिस्तान की कार। तो आज दोस्तों हम लोग इन सभी इंडिया और पाकिस्तान की कार्स को यहां से लेकर के जाएंगे। और भाई आज का रैंप देखो यार, क्या मस्त लग रहा है। तो यहां से अपने सारे के सारे इंडिया और पाकिस्तान कार्स को जानी है और भाई इस ट्रैक से गुजर रहे हैं। और यहां पर भाई सब इस ट्रैक पे कभी कभी पानी काफी ज्यादा आ जा रही है, क्योंकि ये समंदर में ट्रैक बना हुआ, तो लहरें कभी कम और कभी ज्यादा रहती है। तो यहां से सारे के सारे अपने कार्स को लेकर जाएंगे और भाई यहां पर स्पीड बूस्टर लगने के बाद अपने सभी इंडियन और पाकिस्तान कार को जंप करनी है। और जंप करने के बाद अपने इस इंडिया गेट को जंप करने के बाद यहां इस रेतीले जगह पे आनी है। जो भी अपनी कार इस रेतीले जगह पे आ जाएगी, वह कार अपनी विनर बनने वाली है। अगर कोई कार पानी में गिर जाती है और पानी में से भी अगर बाहर आ जाएगी तो वो भी पास हो जाएगी, लेकिन अगर कोई कार पानी में गिर गई और पानी में ही बंद हो जाएगी तो वो कार अपनी इस मिशन में फेल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी अपनी इंडिया और पाकिस्तान की कार है वो भाई साहब आज के इस एक्सट्रीम चैलेंज को कंप्लीट कर पाएगी। काफी आज का वीडियो जो है मजेदार होने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इन सभी कार्स को लेके चलते हैं और सभी कार की परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो सबसे पहली जो अपनी कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी महिंद्रा थार। तो चलिए अपनी थार को सबसे पहले लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई साहब अपनी जो थार है वो यहाँ पर कैसी परफॉर्म करने वाली है। तो नीचे देखो भाई साहब, बिल्कुल कम पानी मिली है और देखते हैं कि ये जंप कैसी कर पाएगी। और आप देख सकते हो, ओ भाई, यहाँ पर पूरी की पूरी इंडिया गेट को जस्ट एक कदम ऊपर से निकली है। और भाई देख सकते हो अपनी जो थार है, ओहो भाई, बहुत बेहतरीन जंप मारी है भाई, इंडिया गेट के जस्ट एक कदम ऊपर से निकली है भाई। लेकिन चलो, बहुत अच्छी तरीके से अपनी जो थार है वो इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए लेते अपनी पाकिस्तान की कोई नई कार को। सो गाइस, जो हमारी पाकिस्तान की तरफ से पहली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी BJ40। तो चलिए BJ40 को लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई साहब BJ40 है वो यहाँ पर कैसी परफॉर्म कर पाएगी। नीचे काफी ज्यादा पानी है और भाई इसकी स्पीड भी कम हो चुकी है, लेकिन देखते हैं कि कितनी दूर तक जंप ले पाती है। और भाई आप देख सकते हो, ओहो, क्या बेहतरीन जंप मारी है। और भाई अपनी BJ40 बहुत सिंपल तरीके से जहां पर अपनी थार गिरी थी उससे भाई बहुत आगे आकर के गिरी है। आप देखो भाई साहब, यहां पर अपनी BJ40 गिरी है और भाई अपनी जो थार है वो यहां पर गिरी थी। काफी कमाल की परफॉर्मेंस रही है BJ40 की। तो चलिए इन दोनों कार को एक एक तरफ लगाते हैं और चलते अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो चलिए फॉर्च्यूनर को लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई साहब टोयोटा फॉर्च्यूनर है वो यहाँ पर कैसी परफॉर्म करने वाली है और ये जंप कैसी ले पाएगी। बिल्कुल कम पानी मिली है इसको, देखते हैं भाई ये जंप कैसी ले पाएगी। और भाई देख सकते हो, पानी नहीं मिलने के कारण क्या खतरनाक जंप लगाई है अपनी जो फॉर्च्यूनर है। और भाई बहुत अच्छी जंप लगा चुकी है, आप देख सकते हो भाई कितनी मस्त ये जंप लगाई है। तो चलिए इसको जहां गिरी है वहीं पे साइड लगाते हैं और चलते हैं अपनी पाकिस्तान की नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली पाकिस्तान की कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी टोयोटा हिलक्स। तो चलिए टोयोटा हिलक्स को लेके चलते हैं और भाई देखते हैं कि ये कैसी जंप लगा पाएगी। भाई काफी शानदार कार है, लेकिन भाई जंप में मुझे नहीं पता ये कैसी जंप ले पाएगी या क्या ये अपने इंडिया गेट को जंप कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। और भाई देख सकते हो, वही मैं आपसे बातें कर रहा था कि भाई जो टोयोटा हिलक्स है काफी मस्त कार है, लेकिन इतनी बड़ी है कि भाई साहब ये जंप नहीं कर पाई है और इंडिया गेट से लड़ करके भाई साहब ये नीचे गिरी है और ये अपने मिशंस को फेल कर गई है। लेकिन भाई टोयोटा हिलक्स काफी शानदार कार है, बहुत सारी अपनी मिशंस को करती है। तो चलिए लेते अपनी इंडिया की नेक्स्ट कार को। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी महिंद्रा XUV 500। तो चलिए अपनी महिंद्रा XUV 500 को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि जो अपनी 500 है वो कैसी परफॉर्म कर पाएगी। क्या लगता है आपको, अपनी जो XUV 500 है क्या इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी। और भाई यहां पर जो इसकी स्पीड है वो पूरी कम हो गई है, क्योंकि भाई साहब काफी ज्यादा लहरें आ गई थी। और देख सकते हो भाई अपनी जो XUV 500 है जहाँ पर अपनी टोयोटा हिलक्स लड़ी थी वहीं पे भाई साहब ये भी जाकर के लड़ी है, क्योंकि भाई इसको भी काफ़ी ज़्यादा पानियों ने घेर लिया था और भाई साहब ये भी अपने मिशंस को फेल कर गई है। यार काफ़ी अच्छा ये भी जंप लगा पाती, लेकिन यार ज़्यादा पानी होने के कारण ये फेल हो गई है। तो चलिए लेते हैं पाकिस्तान की कोई अगली कार को। सो गाइस, अब जो हमारी अगली पाकिस्तान की कार होने वाली है वो होने वाली अपनी अकुड़ा MDX। तो चलिए इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई साहब अपनी जो अकुड़ा MDX है वो कैसी परफॉर्म करने वाली है। नीचे देखो भाई साहब, फिर भी काफी ज्यादा पानी है, देखते हैं भाई साहब ये कैसी परफॉर्म करने वाली है अकुड़ा MDX। और भाई देख सकते हो,
बिल्कुल अपने इंडिया गेट के जस्ट ऊपर से आकर के जंप करी है, और भाई साहब ये देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। अभी तक भाई टू इंडिया और टू पाकिस्तान की कार इस मिशंस को बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए लेते हैं अपनी इंडिया की कोई अगली कार को। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी देसी महिंद्रा बोलेरो। तो चलिए बोलेरो को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि जो अपनी बोलेरो है वो यहाँ पर कैसी परफॉर्म करने वाली है। नीचे देखो भाई साहब, काफी ज्यादा वाटर लेवल बढ़ चुकी है और इसकी स्पीड खत्म हो चुकी है। क्या ये जंप कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? और भाई भाई बिल्कुल कर पाएगी भाई अपनी बोलेरो। इतनी ज्यादा पानी होने के बावजूद भी भाई पूरे के पूरे इंडिया गेट के जस्ट उसके पॉइंट से आकर के गुजरी है। हल्का सा भाई साहब ये टच भी कर चुका था और भाई अपने मिशंस को बड़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए चलते अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली पाकिस्तान की कार होने वाली है वो होने वाली अपनी लैंड क्रूजर VRX। तो चलिए अपनी VRX को लेके चलते हैं और देखते हैं कि जो VRX है वो कैसी जंप लगा पाएगी। काफी बड़ी गाड़ी है भाई साहब, ये जंप कैसी ले पाएगी ये देखने वाली बात होगी। इसकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो गई थी, काफी ज्यादा पानी मिल चुकी थी इसको, लेकिन आप देख सकते हो VRX काफी पावरफुल कार है और भाई जस्ट अपने इंडिया गेट के एकदम ऊपर से गुजरी है और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। बहुत अच्छी तरीके से अपनी जो VRX है वो भी यार इस मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए लेते हैं अपनी इंडिया की नेक्स्ट गाड़ी को। सो गाइस, अब जो हमारी अगली इंडियन कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी टाटा हैरियर। तो चलिए अपनी टाटा हैरियर को लेकर चलते हैं और टाटा हैरियर की जंप देखते हैं। अपनी जो टाटा हैरियर है काफी खतरनाक जंप लगाने में माहिर है, तो देखते हैं भाई साहब ये जंप कैसी लगा पाती है। और देखो भाई ये देखो जंप, भाई क्या खतरनाक जंप लगाई है। और मुझे लगता है भाई ये बोलेरो से भी आगे गिरेगी और ये सबसे आगे अभी तक आकर के गिरी है। भाई अपनी जो टाटा हैरियर है वो देखो भाई सब कितनी दूर आकर के गिरी है, वही मैं आपको बोल रहा था भाई ये जंप में काफी बेहतरीन है। और देख सकते हो भाई साहब यहाँ पर अपनी गिरी थी फॉर्चुनर, उससे भी आगे जाकर के गिरी है। तो चले लेते हैं पाकिस्तान की कोई नेक्स्ट गाड़ी को। सो गाइस, अब जो हमारी अगली पाकिस्तान की कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी निसन पेट्रोल। तो चलिए निसन पेट्रोल को लेकर चलते हैं और भाई इसकी परफॉर्मेंस और जंपिंग देखते हैं। भाई ये काफी बड़ी और भारी गाड़ी है, तो देखते हैं भाई ये क्या जंप ले पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। स्पीड काफी अच्छी पकड़ ली है और देख सकते हो भाई इतनी भारी और भाई पावरफुल कार है भाई निसन पेट्रोल। और देखो यार बहुत अच्छी तरीके से अपनी जो निसन पेट्रोल है वो भाई इस मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। देख सकते हो अभी तक भाई साहब मात्र एक इंडियन और एक पाकिस्तान की कार अभी तक फेल हुई है और सारी सारी कार्स अभी तक इस मिशंस को करी है। तो हम तो यही चाहते हैं भाई कि सारे जो अपनी कार्स है वो अपने इस मिशंस को करे। तो चलिए लेते हैं अपनी इंडिया की नेक्स्ट गाड़ी को। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर। तो चलिए फॉर्च्यूनर लेजेंडर को लेकर चलते हैं और फॉर्च्यूनर लेजेंडर की यहाँ पर परफॉर्मेंस देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्म कर पाएगी। नीचे भाई साहब काफी ज्यादा पानी है, ओहो समय से पानी घट चुकी है और भाई यहां पर फॉर्च्यूनर लेजेंडर की जो स्थिति है वो काफी बुरी हो चुकी है। लेकिन देखो भाई जंप कितनी अच्छी ले पाई थी, लेकिन यार इतना ज्यादा पानी मिल गया था अपनी लेजेंडर के सामने कि भाई साहब कितनी भी कोशिश करने के बाद ये अपने मिशंस को पास कर ही नहीं पाती। और देख सकते हो भाई अपनी जो फॉर्च्यूनर लेजेंडर है वो भाई इस मिशंस को फेल कर चुकी है। तो चले लेते हैं नेक्स्ट कार को। सो गाइस, अब जो हमारी अगली पाकिस्तान की कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी फोर्ड एक्सप्लोरर। तो चलिए फोर्ड एक्सप्लोरर को लेकर चलते हैं और भाई इसकी जंप देखते हैं कि ये कैसी जंप ले पाएगी। नीचे काफी ज्यादा पानी है भाई, इसके सामने भी आ चुकी है, लेकिन अपनी फोर्ड एक्सप्लोरर मुझे लगता है शायद ये जंप कर जानी चाहिए। और भाई देख सकते हो बिल्कुल भाई साहब थोड़े से नीचे से तो आई है, लेकिन फिर भी आ रही अपने मिशंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाई, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो फोर्ड एक्सप्लोरर भाई बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। तो चलिए चलते नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी हुंडई क्रेटा। तो चलिए अपनी क्रेटा को लेकर चलते हैं और अपनी क्रेटा की जो परफॉर्मेंस है वो देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसी परफॉर्म कर पाएगी। नीचे देख सकते हो भाई साहब काफी ज्यादा पानी थी, लेकिन भाई साहब वो हट चुकी है और देखते हैं कि कितनी दूर तक जंप लगा पाती है। और अपनी क्रेटा भाई उतनी बड़ी जंप नहीं ले पाई है जिससे भाई अपने मिशंस को कंप्लीट करे, और भाई ये बिल्कुल पानी में गिर चुकी है। आप देख सकते हो एक तो भाई साहब ये अपने इंडिया गेट को भी जंप नहीं कर पाई है और भाई साहब ये पानी में गिर गई है और ये अपने मिशंस को फेल कर चुकी है। तो चलिए लेते अपनी इस मिशंस की आखिरी पाकिस्तान की कार को। सो गाइस, इस मिशन की जो हमारी आखिरी पाकिस्तान की कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी होंडा सिविक। तो चलिए अपनी होंडा सिविक को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई साहब अपनी जो होंडा सिविक है वो कैसी जंप लगा पाती है। काफी छोटी गाड़ी है और भाई देख सकते हो काफी खतरनाक जंप लगा चुकी है
और ये अपने मिशंस को बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट कर पाई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो भाई आज के इस मिशन में फिलहाल इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के इस मिशन में भाई 3 इंडियन कार मिशंस को फेल कर गई है और एक पाकिस्तान की कार, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई साहब, हम लोग मैच खेलते हैं भाई साहब बस ऐसे इंटरटेन के लिए। तो आप लोग भाई कोई भी दिल पर मत लेना कि पाकिस्तान की कार हार गई या इंडिया की कार हार गई, बस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और उम्मीद है आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, क्योंकि 1000 होने में बहुत ज्यादा कम सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करना। हम आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए चैलेंज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।